हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाईइलेक्ट्रिक। जब भी हम क्या करेंगे, डाईइलेक्ट्रिक मीडियम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं। डाईइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, डाईइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भेजा था और मैंने बोला था कि उसको एक बार रीड कर लेना और रीड करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना, तो मैं उसमें सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम आएंगे। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना। और जब भी हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा उसमें, या तो पहले से ही डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है तो डाइपोल क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। और कैसे अलाइन होगा ये आप लोगों को मालूम है कि जब भी व्हेन एवर यू प्लेस एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड इट विल बी मोर स्टेबल। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक पोलर होता है, एक क्या होता है, नॉन पोलर होता है। पोलर में क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा कि वो जितने रीजन में क्या है, डाइइलेक्ट्रिक हमने मटेरियल रखा है उसने उतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो कितना रिड्यूस हो जाता है, तो के टाइम से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, के टाइम से रिड्यूस हो जाता है, ये आपको माइंड में रखना है। और उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप यदि नॉन पोलर मटेरियल रखोगे तो क्या होगा कि उसमें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज का जो पोजिशन होता है स्लाइटली क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाएगा। उससे क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट होता है जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अगेन आप क्या होगा कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उस पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और उसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा, अलाइन कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द क्या होगा, इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा कोई भी, लेकिन क्या होगा कि कोई भी, अब हमने क्या किया है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, नेगेटिव प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। अभी इसके अंदर क्या है, फ्री स्पेस है। क्या है, इसके अंदर हम बोल सकते हैं क्या है, फ्री स्पेस है, कोई मटेरियल नहीं रखा हुआ है। उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फ्री स्पेस है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ये पहला पार्ट हुआ था, यहाँ लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जैसे ही क्या करोगे आप, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करोगे, इस प्लेट के अंदर रखोगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इससे क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यहाँ जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप देखोगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ देख ही रहे हैं, ये क्या है, ऐसे बोल सकते हो दिस इज इलेक्ट्रिक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो कितना कम होगा, E अपॉन क्या हो जाएगा, K टाइम, K टाइम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K टाइम से। अब K का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, जीरो से जीरो टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, जीरो टू क्या होगा, जीरो टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, K का जो वैल्यू होगा कंडक्टर के लिए, इधर मैं लिखा हूं कि फॉर मेटल और कंडक्टर द वैल्यू ऑफ K विल बी क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। के का सॉरी जीरो नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ वन टू क्या हो जाएगा, वन टू इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, जीरो नहीं हो सकता कभी, ठीक है।
तो 1 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और फॉर फ्री स्पेस, यहाँ ए लिख लेना, दूसरा पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो कि फॉर क्या होगा, फॉर फ्री स्पेस, स्पेस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई भी डायलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, रख देंगे, तो उसके सरफेस पे क्या होता है, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, क्या होता है, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो क्या है, सिग्मा इंड्यूस्ड चार्ज, और इसको बाउंड चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आई मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इनटू 1 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे 2-3-4 टाइम्स क्या है, न्यूमेरिकल जेई के एग्जाम में आया हुआ है। इसका प्रूफ भी मैंने जो आपको शीट भेजा है उस भेजा था उसमें प्रूफ दिया हुआ था, तो आप एक बार प्रूफ रीड कर लेना, उसमें कुछ नहीं है। एक क्या है, आपको क्या कंसीडर करना है, आपको गॉस लॉ यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इंड्यूस्ड, यहां लिख देता हूं, क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्यू इंटू क्या होगा, 1 - 1 अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। हमने दोनों का एरिया जो है वो क्या है, सेम माना है, आई मीन ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है उसका एरिया भी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया के क्या है, इक्वल है। तो क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, और इसी को क्या बोलेंगे, बाउंड चार्ज, क्या बोलते हैं हम, बाउंड चार्ज, दिस इज कॉल्ड चार्ज, इसको फ्री चार्ज बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री चार्ज, और हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन क्या होगा, कैपेसिटर, के क्या है, के क्या है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो यदि क्या होगा, मेटल होगा तो यहां मैंने लिख दिया है कि के की वैल्यू, आई मीन कंडक्टर होगा तो के का वैल्यू क्या होगा। आपको ये याद रखना है कि ये जो रिजल्ट हम यूज करते हैं है ना, क्या है, दिस रिजल्ट इज यूज्ड ओनली व्हेन, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि किसी बुक में दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 इज यूज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द क्या होगा, टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, अदर आपको यही पढ़ना ही है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि किस सिचुएशन में वैलिड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है उसका सरफेस जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस केस में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और यहाँ हमने क्या किया है, स्लैब रख दिया, यहाँ कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, अभी पहले इधर अंदर में फील्ड क्या था, ई था, तो यहाँ आप ई इक्वल टू ई नट अपॉन के यूज नहीं कर सकते, इस केस में हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस केस में आप ये रिजल्ट को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये यदि पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और ऐसे सरफेस है, क्या है, ऐसे देखो, ऐसे रख दिया गया है डायलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ आपने चार्ज रख दिया,
तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ इसका यूज कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलविज क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इक्वल टू E नट अपॉन क्या है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब कम होगा तो कितना से कम होगा वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम कभी कभी रिलेटिव क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो के का वैल्यू क्या मिला, देखो इससे हम रिलेटेड अभी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। के इक्वल टू क्या मिला, आई मीन सॉरी, ई इक्वल टू ई नट अपॉन क्या हुआ, के, इसको हम क्या लिखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इससे देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द क्या होगा, मीडियम, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या होगा, इनसाइड द प्लेट्स, इनसाइड द कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट क्या होगा, डायलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। अब यहां याद रखना है कि फॉर क्या होगा, देखो ध्यान से, फॉर क्या होगा, फॉर फ्री स्पेस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू ई नट हो जाएगा। फॉर क्या होगा, फॉर मेटल और क्या होगा, कंडक्टर K इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, जितने रीजन में क्या है, हमने क्या किया है, जैसे देखो आपसे आपको मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल देखो, यहां दिया हुआ है, एक एग्जांपल देखो, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। अब हमने क्या किया कि दो स्लैब, देखो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, एक स्लैब ए और दूसरा स्लैब हमने क्या किया, इसका थिकनेस क्या है, T1 है, इसका थिकनेस क्या है, T2 है, और इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप सोचो कि यहाँ हमने क्या किया, ए दो डायलैक्ट्रिक स्लैब जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और क्या है, K2 रख, ऑब्वियसली इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो यहाँ क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनर्ट होगा, इधर भी क्या होगा, इनर्ट होगा, लेकिन इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि मैं मानूं कि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, E1 देखो, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू, और इस पे आप मान लो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा मान लेते हैं हम, सॉरी माइनस सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो ऑब्वियसली E1 इक्वल टू क्या होगा, E0 अपॉन क्या हो जाएगा, K1, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 क्या लिखेंगे, K1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए क्या लिखेंगे, K1, E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या लिखेंगे, K2, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K2 इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन क्या हो जाएगा, तो ये चार्ज क्या हो गया। अब आप देखोगे कि E1 E2 में, अब मैं यहाँ एक पॉइंट आपको बोल दूँ, क्या यहाँ मैं मान लूँ कि
क्या यहाँ मैं मान लूँ कि K1, इफ क्या लिख दें कि K1 इज ग्रेटर देन क्या होगा K2, देन हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि इनर्ट क्या होगा इनर्ट, देन हम लिख सकते हैं इनर्ट इज ग्रेटर देन, देखो K1 का वैल्यू क्या है K2 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स E2 जो होगा वो क्या होगा E2 जो होगा वो E1 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो इनर्ट E2 और क्या होगा E1, डिक्रीजिंग ऑर्डर अब क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे कोई पूछे कि यदि मैं इसको x एक्सिस मान लूं तो E वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपसे ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान देना है। देखो मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने क्या रखा x और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो यहाँ से आई मीन D2 क्या है 0 to, इसको हम 0 मान लेते हैं, इसी को इसको x एक्सिस मान लें, तो यहाँ क्या होगा 0 to D तक क्या है 0 to D तक यहाँ ये x इक्वल टू 0 मान लेना, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू क्या मान लेना D मान लेना, ठीक है x इक्वल टू इसको हम x1 मान लेते हैं, x इक्वल टू x1 तक क्या है यही हमने x1 मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है और ये इनर्ट है, उसके बाद क्या है कितने थिकनेस तक T1 यहां से यहां थिकनेस क्या हो जाएगा यहां से यहां ए T1 थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या है E1 से कम है, क्या है E1 से कम है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो E1 से क्या होगा कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ये, तो ये क्या होगा आपका E1। उसके बाद आप देखेंगे कि अगेन यहां से क्या है ये कुछ X2 मान लेते हैं इस थिकनेस को X2 तक जो है वो क्या है यहां से X2 होगा X2 थिकनेस हमने मान लिया, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगेन फ्री स्पेस है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ देखो फिर अगेन बढ़ेगा और यहाँ से क्या होगा ऐसे, ठीक है अगेन आप यहाँ से जब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से थोड़ा क्या होगा कम होगा, देखो ध्यान से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कम है वैल्यू लेकिन E2 का जो वैल्यू है वो E1 से ज़्यादा है, तो यहाँ ऐसे कुछ ग्राफ होगा, फिर यहाँ क्या होगा आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल हो जाएगा और यहाँ तो कुछ ऐसे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है क्या आएगा ग्राफ होगा, क्या है कुछ ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है कि ये क्या हुआ आपका देखो इसको हमने क्या माना T2 थिकनेस तक कंसीडर कर लिया, ये दिया रहेगा, उसके बाद आपका क्या है मान लो कि ये क्या है X3 ये क्या हो गया D,0 हो गया और ये क्या हुआ 0,0, तो वेरिएशन ऑफ क्या है वेरिएशन ये पूछा जाता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है तो ऐसे क्या होगा ग्राफ दिया रहेगा, तो देखो ये क्या होगा आपको यहाँ दिया हुआ है तो ये दिस इज नथिंग बट द E2 हुआ इनर्ट, ये सभी क्या होगा इनर्ट का, तो ऐसे कभी कभी क्या होगा एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ या इसको होमवर्क लिख लो खुद से ड्रॉ कर लेना कि ड्रॉ ई वर्सेस क्या होगा एक्स एच सोन इन द क्या होगा सोन इन द फिगर, जब मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर, इसको घर पे ट्राई कर लेना तुम लोग, एक हमने क्या किया एक डायलेक्ट्रिक प्लेट स्लैब रख दिया और एक यहाँ क्या है मेटालिक प्लेट रख दिया, ये D/4 इसको भी D/4 ठीक है ये कितना होगा D/4 है ना और ये D/8 और दिस इज D/8 ठीक है,
और ये मेटल है, क्या है मेटल। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या है, चार्ज ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस ग्राफ, यही हमने एक्स एक्सिस मान लिया। इस पे चार्ज कुछ नहीं, मैं ये कंसीडर कर देता हूँ। इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या के है, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना, आसान है। देखो, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार जेई के एग्जाम में, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि तो यहां से भी हम क्या करेंगे, लिखें क्या कि कैपेसिटर कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस है ना, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड इट, ठीक है। देखो, हम एक जनरल रिजल्ट लिखे। अभी क्या है, यही क्या है, आपको क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। अब हमेशा क्या करना, एक ट्रिक याद रखना, ठीक है। चलो पहले हम ये देख लेते हैं, ये क्या होगा, आप ये पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक टी थिकनेस का, कितना टी थिकनेस, इसका थिकनेस क्या दिया हुआ है, टी। देखो क्या है, ये सेपरेशन जो दिया, इसको सेपरेशन क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ, और इसका थिकनेस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है ना। अब हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और प्लेट एरिया क्या है, ए है, और इस स्लैब का भी एरिया क्या है, ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्लैब का भी जो एरिया है वो भी क्या दिया हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द कैपेसिटेंस। अब देखो, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये माइंड में रखना है कि हम क्या करेंगे, जब भी एक ट्रिक के लिए याद रखना कि क्या है, कि जब भी होने, नोट में लिख लेना है ना, नोट में, कि व्हेन एवर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन रिप्लेस इप्सिलन जीरो बाई इप्सिलन जीरो इंटू क्या होगा, ये चीज आपको याद रखना है। जब भी क्या होगा, ये होगा, तो इसको क्या करना है, इप्सिलन जीरो के किसको रिप्लेस कर देगा, इप्सिलन जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं है इसमें, देखो कैसे सोचोगे, आप तीन कैपेसिटर सोचो। देखो, एक क्या होगा, एक ही कैपेसिटर बनेगा, एक ही कैपेसिटर, और क्या होगा, एक कैपेसिटर बनेगा। तो इसका थिकनेस हमने क्या मान लिया, टी वन, इसका थिकनेस हमने क्या मान लिया, टी टू, क्या मान लिया, टी टू। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो सर्किट, इक्वेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तीन कैपेसिटर बनेगा ऐसे, एक क्या हो जाएगा, एक ए, दूसरा एक ए वाला, और एक तीसरा, यही क्या होगा, ए मान लो कि ए हुआ, और ए पॉइंट ए, और दिस इज क्या हुआ, बी,
ठीक है, तो हमने इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको क्या किया बी, ये सी वन मान लिया और ये क्या हुआ सी टू और ए सी थ्री। तो सी वन सी, अब देखो हमने क्या लिखा, यहाँ हमने सीनट लिखा, सीनट इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या हो जाएगा डी, आई मीन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डायलैक्ट्रिक। सीनट का मतलब क्या हुआ कि हमने डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा है। तो आपको मालूम है देखो इसका यदि कैपेसिटर, देखो एक कैपेसिटर ए हो जाएगा, तो यदि मैं सी वन यहाँ लिखूँ, सी वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी लिखते हैं, तो डी क्या हो जाएगा टी वन हो जाएगा, सी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो के, क्या हो जाएगा के, ठीक है के इनटू क्या हो जाएगा ए अपॉन क्या हो जाएगा टी टू हो जाएगा सॉरी टी, और सी थ्री इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या होगा टी टू हो जाएगा। सी वन सी टू सी थ्री का वैल्यू मिल गया यार, क्या करना है अब अपने को, क्या करना है सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज कर देना और फिर आसानी से सॉल्व कर लेना। हाँ एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ, देखो टी वन प्लस टी टू प्लस टी इक्वल टू क्या होगा डी हो जाएगा, तो टी वन प्लस टी टू इक्वल टू क्या होगा डी माइनस टी, बाद में हम एक ट्रिक रखेंगे ये रखेंगे। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो, तो हम क्या लिख सकते हैं वन बाई सी ए बी इज इक्वल टू, या वन बाई सी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस क्या करना वन बाई सी। आपको देखना है कि जितने थिकनेस तक डायलैक्ट्रिक स्लैब को रखना है, रखा गया है उतने थिकनेस तक एक अलग कैपेसिटर क्या है कंसीडर कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, वो कैपेसिटेंस कितना होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए इंटू के अपॉन क्या है थिकनेस ऑफ द स्लैब। देखो यहाँ लिखा हो कि रिप्लेस एप्सिलॉन जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू के नट द थिकनेस इन विच द स्लैब इज प्लेस्ड, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है अपने को C1, C2 और C3 का क्या करना है वैल्यू रख देना है। तो हमने C1, C2, C3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्या है हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखो यहाँ 1 अपॉन C हमने मान लिया इसको, तो यह C मीडियम मान लेते हैं, C मीडियम या C रहने दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू रखो, तो T1 अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन 0 a प्लस T अपॉन एप्सिलॉन जीरो के ए प्लस टी टू अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन जीरो, यही होगा। तो वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ लिखा टी वन प्लस टी टू प्लस टी बाई हमने क्या लिखा के लिखा, ठीक है। अब देखो टी वन प्लस टी टू अनोन है, वो तो दिया हुआ नहीं है, केवल क्या दिया रहेगा कि थिकनेस कितना है और प्लेट के बीच सेपरेशन कितना है, यही दिया रहेगा, प्लेट एरिया दिया रहेगा। तो यहाँ थिकनेस मालूम चल गया, देखो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या हो, इसको जब आप लिखोगे तो सी इक्वल टू लिख सकते हो एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या लिख सकते हो, देखो d माइनस टी प्लस क्या होगा t अपॉन क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कॉमन भी लिख सकते हो, तो ले सकते हो c एप्सिलॉन जीरो a अपॉन क्या हो जाएगा d माइनस टी इंटू क्या होगा वन माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन k, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और भी हम लिखेंगे, देख क्या होगा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां दो तीन चीजें और लिखेंगे हम, तो आपको क्या माइंड में इसको क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको क्या करना है इसको याद रखना है, तो इसको मैं लिख देता हूं VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब थिकनेस का वैल्यू जो दिया रहेगा वो आप रखो, इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी इंटू क्या लिखेंगे वन माइनस टी अपॉन डी इंटू वन माइनस क्या हुआ यही हुआ। तो हम ऐसे भी लिख देंगे सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो सॉरी सी इक्वल टू सी नट इंटू क्या हुआ वन माइनस टी अपॉन डी इंटू क्या होगा वन माइनस वन अपॉन,
तो आपको ये रिजल्ट क्या है माइंड में, अब आपको मालूम है क्या है कैपेसिटेंस विद क्या होगा, विद डायलैक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक सीनेट क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विदाउट विदाउट डायलैक्ट्रिक की क्या है डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और डी क्या है सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड टी इज नथिंग बट द क्या थिकनेस ऑफ द क्या है स्लैब। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान देना है कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट विद द क्या होगा पोजीशन ऑफ द प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू आइदर प्लेट ऑफ द पोजीशन ऑफ क्या होगा आइदर प्लेट। ठीक है, क्या होगा कैपेसिटेंस विल बी क्या होगा इंडिपेंडेंट विद द क्या होगा पोजीशन ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो यहां ध्यान से क्या चीज पे डिपेंड करता है थिकनेस और क्या है उसके डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे यहां नोट में, लिखेंगे क्या लिखेंगे नोट में कि कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक क्या है कैपेसिटेंस, हाँ द वैल्यू ऑफ सी डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन द क्या होगा ऑन द पोजिशन पोजिशन ऑफ डायलैक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आई मीन उसका पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं कर सकता करता है। द वैल्यू ऑफ सी डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा आप लिख सकते हैं यार, देखो क्या लिखोगे दूसरा पॉइंट द वैल्यू ऑफ क्या होगा द वैल्यू ऑफ सी वनली क्या होगा वनली डिपेंड ऑन फर्स्ट पॉइंट क्या है थिकनेस, थिकनेस ऑफ द स्लैब, बी क्या लिखोगे डाइइलेक्ट्रिक क्या होगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट की दो चीज पे क्या है डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इफ देखो ध्यान से ये लिखते हैं कि इफ क्या होगा थर्ड पॉइंट इफ क्या होगा टी इक्वल टू क्या हो जाए डी, टी इक्वल टू डी का मतलब क्या हुआ कीप द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा के हमने क्या किया देखो ये वाला सीन मैं बता रहा हूं यही क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने क्या किया एक डायलैक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस क्या है सॉरी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के जस्ट हम यहां ऐसे दिखा रहे हैं कि एकदम टच करते हुए कंप्लीटली तो टच नहीं करा सकते ऐसे दिया हुआ तो ये क्या है हमने कंप्लीटली रख दिया। ठीक है, इसका टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां टी इक्वल टू क्या होगा डी। अब यहां रखो तो देखो सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है सी सी नट अपॉन क्या है वन माइनस डी बाई डी इंटू क्या होगा वन माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन के। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा सी इक्वल टू क्या होगा सी नट इंटू क्या हो जाएगा तो वेन एवर क्या हो जाएगा यहां ये लिखना जरूरी है कि वेन एवर Whenever a dielectric slab of thickness d, when a dielectric
इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज प्लेस्ड then capacitance will increase k times. ठीक है, ठीक है. c is equal to क्या लिखेंगे, k into c naught equal to क्या होगा, epsilon zero k a upon क्या होगा, ये तभी होगा जब क्या होगा, कंप्लीटली स्पेस फॉर्म क्या करेंगे, फिल कर देंगे. क्या करेंगे हम, कंप्लीटली स्पेस को. तो अगेन क्या होगा, देखो, कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और capacitance without dielectric constant. ठीक है, तो जब भी क्या करोगे आप completely space को क्या करोगे, dielectric slab से fill कर दोगे, तो capacitance जो होगा वो क्या हो जाएगा, k times क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. electric field क्या हो रहा था, k times जिस region में हम डायलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे थे, के टाइम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. याद रखना है आपको, क्या है, के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, कि व्हेन ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज प्लेस देन द कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस के टाइम्स. ठीक है, क्या हो जाएगा, के टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो C इक्वल टू क्या हुआ, K इंटू हमने क्या लिखा, C नट, वेयर C नट इज द कैपेसिटेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू विदाउट डायलेक्ट्रिक मीडियम. तो हमने इसको कैलकुलेट किया. अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट कि इफ T इक्वल टू क्या हो जाए, D हो जाए, एंड क्या हो जाए, k इक्वल टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेटेलिक प्लेट को क्या करें, जिसका थिकनेस क्या होगा, d के इक्वल होगा, उसको हम क्या करें, रख दें, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा. तो आइए हम देखते हैं, c इज इक्वल टू क्या होगा, c नट इंटू वन माइनस वन इंटू क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा. तो ये कितना हो जाएगा, c नट इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन, सॉरी वन प्लस जीरो. तो आई मीन क्या होगा, सी नट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, आई मीन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. तो ये भी क्या करना है आपको, रखना है. तो यहाँ क्या होगा, इफ ए मेटालिक प्लेट क्या होगा, व्हेन ऐसे लिखेंगे, व्हेन ए मेटालिक प्लेट ऑफ थिकनेस D is introduced inside the parallel plate capacitor then capacitance विल बी क्या होगा, विल बी इन्फिनिटी. क्या हो जाएगा, विल बी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी क्या होगा, इन्फिनिटी. ठीक है, फिफ्थ में क्या है कि इफ क्या होगा, इफ के इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी, एंड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी के इक्वल टू इन्फिनिटी, सिंपल. तो आई मीन क्या होगा, तो
सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी नट इंटू क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या होगा, टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस क्या लिख सकते हैं, आई मीन ये तब का केस है जब क्या होगा कि ये पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर दिया हुआ है और उनके बीच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच एक के इक्वल टू इन्फिनिटी आई मीन मेटालिक प्लेट को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। ठीक है, ये कितने थिकनेस का, टी थिकनेस। इस केस में कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी टाइम क्या होगा, कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी हो गया। तो ये क्या करना है आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि यदि यहाँ क्या है, एक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि यदि व्हेन एवर मोर देन क्या होगा, व्हेन एवर मोर देन वन डायलैक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन हाउ द कैपेसिटेंस विल चेंज, हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल गेट चेंज, इसके बारे में क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।